स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे राजा महाराजाओं के घर तो बात ही अलग है। क्या हुआ? बेल बजा रहे हो? महाराज का घर बेल से लाओ जल्दी। बोलते अरे आ गए तुम दोनों। महाकोच मनप्रीत सिंह की जय हो। स्वागत है आपका गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के रजवाड़े में। ओहो, क्या प्लान महाराज? अरे कहाँ यार, आप स्लिम स्लिम बॉडी लेके घूमते रहते हो, आपको गुजरात का अच्छा खाना खिलाते हैं और थोड़ा मोटा करके भेजते हैं। हम खाने पीने के लिए कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो आइए आइए, आप गुजरात के खाने का आनंद लीजिए। यार हमें तो कुछ खिलाते नहीं, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवाते हैं। अरे यार आज तुम्हें कुछ मीठा खाने का मन था। अरे आइए टाइगर, आपके लिए भी है, आओ कम ऑन। खाने के बीच में बात करते हैं खेल की। ये जो बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ ऐतिहासिक मैच हुआ गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स का अहमदाबाद में, उसमें वो आखिरी रेड ने बोनस था कि नहीं था पहले ये बताओ। मैं जानता हूँ आप मतलब इंतजार ही कर रहे थे पूछने के लिए। छाछ। लेकिन वो लास्ट रेड पे रोहित आप खुद गए थे और दुनिया जानती है कि वो खेल किसी भी वक्त पलट सकता था। एक तो प्रेशर बढ़ा रहा होगा। आपने रिव्यू किस चीज का मांगा था वहां पे? क्या चीज मांगी जा रही थी कि आप आउट नहीं है या आप पहले लॉबी में चले गए और डिफेंडर ने आपको फॉलो किया, ये था रिव्यू? जो इंसिडेंट पॉइंट मांगा था मैंने, क्योंकि मैं लॉबी आउट हो गया था तो पवन ने आगे मेरे को पुश किया था, तो मैंने बोनस प्लस 1 पॉइंट हमारा और 1 पॉइंट उनका मांगा था। आपको गुजरात की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है मनप्रीत भाई? मेरे को यहाँ के ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो अच्छी ना लगे, सभी मेरे को स्वीट लगते हैं। रोहित, गुजरात की टीम से एसोसिएट करके कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ पे आने के बाद ऑडियंस इतना सपोर्ट करता है हमें, बहुत अंदर जाते हैं मैच खेलने के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मन में जुनून पैदा हो जाता है। आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि जो गेम है गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स, आपकी अपनी टीम है, आप उसके लिए सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन कबड्डी जो ये प्लेटफॉर्म है प्रो कबड्डी, अगर आप उसके फ़ैन हो और आपको अपनी गेम और अपनी लीग बहुत बड़ी करनी है तो सभी टीम की आपको रिस्पेक्ट करनी होगी, सभी प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी होगी। और दो टीमें खेलेंगी, एक हारेगी एक जीतेगी, तब भी आपको अपने क्लब के साथ, अपने ओनर के साथ, अपनी टीम के साथ वैसे ही खड़ा रहना चाहिए जैसे आप विन के टाइम खड़े रहते हो।